मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करते हुए बहुत ही आप लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। खुशी भी मिल रही है। और आज स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली में भागलपुर से भाई विनोद सिंह जी आए हैं मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, और कुछ बहुत सारी जानकारियां मिली। उनमें से एक जानकारी विनोद सिंह भाई जी के पास फलेरिया का सफल उपचार, जो आप भी जान लें, मुझे तो ज्ञान मिल गया, तो आप तक भी वो ज्ञान पहुंच जाए। और कोई आपके भाई बंधु आसपास में ऐसी कोई समस्या से पीड़ित हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं। और जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो आपको जो दुआएं मिलेगी वो दुआओं में बहुत ताकत है। तो भैया, मैं चाहूँगा कि आप पूरी डिटेल से, विधि से बताएं कि वो फलेरिया का क्या इलाज है, किस तरीके से करना होता है। वंदे मातरम। जैसे फलेरिया का सफल इलाज के लिए मेरा दिल से, हार्दिक दिल से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ दवाई। जैसे कि जोंक होता है पानी में तैरने वाला, उसको पकड़ के 150 रख लीजिए, और जहाँ फलेरिया हुआ है वहाँ पे 3-4-5 लगा दीजिए, वो खून पी के नीचे गिर जाएगा। उसके बाद उसको गुलाब जल से धोकर वो पानी फिर घर मिट्टी के घरे में मिट्टी उसमें मिट्टी पहले से डाल देना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो मिट्टी ही खाता है। उसके बाद सुबरा भसम यानी फिटकरी का भसम भेर के दूध में शोधित करके दो चुटकी सुबह शाम, और इतना ही करना है और जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। 25 से 30 वर्ष पुराना फलेरिया का सफल इलाज है। अब मैं कुछ भैया ने जो बताया वो मैं क्लियर कर दूं। जोंक होती है, जोंक आता है आपके बरसात के टाइमों में भी मिल जाता है, ऐसे भी मिलता है, तो जोंक को लेकर आइए, एक मिट्टी का घड़ा रखिए और उस मिट्टी के घड़े में पहले मिट्टी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और जोंक को जहाँ भी फलेरिया है उसमें दो चार जगह आप दो चार जोंक उठा के रख दीजिए। रक्त मोक्षण होता है, आयुर्वेद की एक भाषा है कि रक्त मोक्षण, हाँ, तो उससे वो आपके जो दूध खून है वो पी जाएगा। और उस जोंक को फिर गुलाब जल में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या है कि जोंक खून पीने के बाद मर जाता है, अगर आप उसको नहीं डालें तो आप उसको डाल दीजिए तो वो जिंदा हो जाएगा। और फिर उस जोंक को उठा के आप मिट्टी की हांडी में रख दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे, कल फिर आपको काम में आने की ज़रूरत हो तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फिटकरी का भसम कह रहे हैं तो सुबरा भसम, फिटकरी का भसम, अस्फटिका भसम, या अपने घर में फिटकरी को बारीक पाउडर करके फुला लीजिए फिर तवे पे, और फिर उसको दोबारा पाउडर कर लीजिए, तो ये फिटकरी का भसम हो जाता है। इस भसम को फिर भेड़ के दूध में कितनी भावना देनी है? 2-3 भावना। भेड़ के दूध में भावना देना है, तो भेड़ का दूध अगर आप लेके आते हैं उसमें फिटकरी के इतनी घुटाई करते रहें कि वो फिर दोबारा पाउडर फॉर्म में हो जाए, मतलब सूख जाए, ऐसा ही है ना भावना देना? हाँ। कि किसी भावना देना छाया में सुखाना है। हाँ, छाया में सुखाना, मतलब पहले फिटकरी के भस्म को भेड़ के दूध में खूब मर्दन करने के बाद छाया में रख दीजिए, वो जब सूख जाए तो फिर दोबारा पाउडर कीजिए, फिर उसमें दोबारा भेड़ का दूध डालिए। इस तरीके से 7 बार करने से वो भेड़ के दूध से शोधित सुबरा भस्म होगा, फिटकरी का भस्म होगा, उसे 2-3 चुटकी सादे पानी से, गुनगुने पानी से या शहद से लेना है, एक टाइम दो टाइम दो टाइम, तो कितने दिनों में परिणाम आ जाता है भैया? 21 दिन लगेगा। अच्छा, 21 दिन में आप फलेरिया से मुक्त हो सकते हैं। इसमें शायद मुश्किलें आपको लगेगी, लेकिन अगर जिसको निरोगी होना है, क्योंकि मैंने कई ऐसे भाई बहन तो देखे हैं जो जीवन भर अपनी मोटी टांगे लेके चलते रहते हैं, तो उनसे विनम्र विनती है, अगर आपके आसपास है तो उन्हें ज्ञान पहुँचा दें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मतलब वो स्वस्थ हो जाएँ, और उनकी जो दुआएँ मिलेगी वो हमारे प्रयासों को अपने आप 4 चांद लगाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।